पार्टी के अंत में क्रिया के साथ गा गी गे हो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, अब इसका सूत्र होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट जुड़ेगा जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे इसमें है सब्जेक्ट ही। काम क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ काम जाना। कौन कर रहा है? वह। जाएगा क्या है? वर्ब। वर्ब। और वह? सब्जेक्ट। चलो बनाओ इसको। सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब गा है। गा मतलब विल। विल और सब्जेक्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब हुआ वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। गो गो मींस जाना। खड़ी लाइन नहीं होती श्रेया, फुल स्टॉप। हाँ फुल स्टॉप अच्छे से बनाओ, ये छोटा करो उसको, बिल्कुल पास में रखते हैं, गो के बगल पास में। हाँ उसको मिटाओ। हाँ अब इसमें जो है गो का कौन सा फॉर्म लगेगा श्रेया? गो का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाओ कोई, अब उसी को बना दो, नीचे बना दो, लिखा रहना है तो नीचे बनाओ। अब ये वह नहीं जाएगा। ये क्रिएटिव सेंटेंस है जिसका सूत्र सब्जेक्ट अदर। अब इसमें वह नहीं जाएगा, इसमें पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? हम ही लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? गा मतलब फिल। और फिर नॉट लिखेंगे बर। बर क्या है? जाना। तो वो ठीक। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखो लेकिन इसको मिटा दो, है ना? इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक क्वेश्चन वर्ड वाला, एक जिसमें हाँ नहीं रहेंगे वो। चलो बताओ उसको। जैसे कि हिंदी से लिखो सेंटेंस पहले। क्या वह जाएगा? आगे तो इसके क्या वह जाएगा? हाँ नहीं मिलता है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करेंगे, और हाँ नहीं से उत्तर नहीं आया तो क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट करेंगे। क्या वह जाएगा? क्या वह जाएगा? हाँ या ना? हाँ बनाओ इसको। इसका सूत्र रहेगा हेल्पिंग वर्ब से अदर। इसमें हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें क्या की स्पेलिंग नहीं बनेगी। अब इसमें से हम पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है? गा। गा मतलब बिल। अब फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। फिर वर्ब क्या है? जाना। तो गो। ठीक है। दूसरा प्रकार भाई इंट्रोगेटिव का होता है ना, क्या है? एग्जांपल लिखो यहीं पर नीचे उसका। यहाँ वह क्यों जाएगा? वह कहाँ जाएगा? हाँ बोलो। वह क्यों जाएगा? जिसको हाँ नहीं आ नहीं आ रहा है इसका ये ऊपर से क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। इसका सूत्र होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड ये है क्यों? क्यों? अब इसका स्पेलिंग होगी वाई। वाई मींस क्यों। क्यों को अंग्रेजी में वाई कहते हैं ना। ऊपर लिख दो उसके नीचे। हाँ यहीं से लिखो वाई क्वेश्चन। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब बोला। हेल्पिंग वर्ब क्या है? गा। गा मतलब बिल। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब बोला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वन। अभी वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। क्वेश्चन तो गा रहेगा तो विल लगा दोगे। अगर वह जा रहा होगा तो इसमें भी तो गा है। वह रहा होगा यहाँ भी तो गा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएगा। वह जा चुका होगा। जा चुका होगा तो फ्यूचर
परफेक्ट परफेक्ट मतलब जब क्रिया के साथ गा जुड़ा रहे है ना, ऐसा नहीं रहा के बगल में गा हो जाएगा, रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस है, चुका होगा तो यहाँ पर गा है तो फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है ना। थैंक यू श्रेया, कम बैक टू योर सीट, गुड।